राधे राधे दोस्तों, मैं कृतिका स्वागत करती हूँ आप सबका किचन वर्ल्ड बाय कृतिका में। सर्दियों की ठंड में रजाई के अंदर भुनी हुई गर्मा गर्म शकरकंदियों का लुफ्त तो आपने ज़रूर उठाया होगा, पर क्या शकरकंद का गर्मा गर्म हलवे का लुफ्त उठाया है? नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शकरकंद का ड्राई फ्रूट वाला हलवा। खाने में इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार कि आप इसे ना बिल्कुल नहीं कह पाएंगे। बच्चे, बड़े या बुजुर्ग, सभी को शकरकंद का हलवा बहुत अच्छा लगता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं आज की एक खास रेसिपी। यहाँ मैंने ले लिए हैं उबली हुई शकरकंद, वजन में ये लगभग 500 ग्राम है। अब सबसे पहले हम इनको अच्छे से छीलकर इनका छिलका अलग कर लेंगे। शकरकंदी उबलने में बहुत कम समय लेती है, बहुत जल्दी बॉईल हो जाती हैं। आलू से भी कम समय लगता है शकरकंदी को उबालने में। और हमने अपनी शकरकंदी को अच्छे से छील लिया है। अब आप किसी स्पून या मैशर का यूज़ करके इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। और हमने भी अपनी शकरकंदियों को अच्छे से मैश कर लिया है। अब एक पैन में हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच घी, और यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको हम रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इनको हमें बस हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। और हल्का रोस्ट होने के बाद हम इन सबको निकाल लेंगे एक प्लेट में। घी हमारा गर्म है, अब इसमें हम मैश किए हुए शकरकंद मिला देते हैं। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और 1-2 मिनट के गैप पर हम इसको अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, जब तक कि इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता और हमारी शकरकंद हल्की गोल्डन नहीं हो जाती। शकरकंद में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, विटामिन सी, आयरन और भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जो हमारी आँखों के लिए, हार्ट के लिए और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए शकरकंद को सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। और देखिए, हमारी शकरकंद का मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच घी मिक्स करेंगे और साथ में मिलाएंगे 1 छोटी कटोरी चीनी। चीनी की मात्रा आप अपने शकरकंद की मिठास के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर शकरकंद ज़्यादा मीठी है तो चीनी की मात्रा को कम कर दीजिए। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। और लगभग 1 मिनट में आपकी चीनी अच्छे से शकरकंद के संग मेल्ट हो जाएगी और मिक्स हो जाएगी, और हमारी शकरकंद का हलवा भी अच्छे से बनने लगा है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद इसमें हम मिक्स करेंगे 2 कुटी हुई इलायची और ड्राई फ्रूट। इन सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है आपको और लगातार 1 से 2 मिनट तक चलाते रहना है, जिससे हमारे ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स हो जाएंगे और हमारा हलवा भी अच्छे से भुनकर रेडी हो जाएगा। और ये देखिए, हमारा हलवा भी अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। जब तक हम इसकी करते हैं प्लेटिंग, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, आपने शकरकंद का हलवा खाया है कभी? और ये लीजिए, हमने अपने हलवे की कर ली है सुंदर सी प्लेटिंग, और ये दिखने में जितना सुंदर और यम्मी दिख रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। इसके हर एक बाइट में है ड्राई फ्रूट का क्रंच और शकरकंद की मिठास। तो इस मिठास को आप मिस मत कीजिए, आज ही बनाइए गर्मा गर्म शकरकंद का हलवा। और ये इतना रिच है कि किसी भी पार्टी और ओकेशन की शान बन सकता है। बाकी के सारे हलवे भूल जाएंगे जब ये हलवा ट्राई करेंगे। तो आज ही बनाइए और इंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।